हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित लोगों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वह कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजेंद्र सिंह चौहान ने की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुक्रवार को दृष्टिबाधित सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दृष्टिहीन विशेषज्ञ प्रशांत रंजन वर्मा व उनकी धर्मपत्नी वीना मीता वर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। वहीं इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही कार्यशाला की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य राजेंद्र सिंह चौहान ने की। इस मौके पर विभिन्न महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, सरकारी दफ्तरों के दृष्टिहीन व विकलांग कर्मचारी व अधिकारी और विभिन्न महाविद्यालयों व विद्यालयों के दृष्टिहीन व विकलांग विद्यार्थियों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान विशेषज्ञों ने विकलांगों व दृष्टिहीनों को कंप्यूटर के माध्यम से अपने रोजमर्रा के कार्य करने की जानकारी दी। विश्वविद्यालय के संयोजक अजय श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दृष्टिहीन व विकलांगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए टॉकिंग कंप्यूटर की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे विद्यार्थी किताबों को स्कैन कर आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी समय में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पूरे उत्तर भारत में मॉडर्न विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर सामने आएगा। कैसे एक ब्लाइंड व्यक्ति, कैसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति रोजमर्रा के कामकाज एक कंप्यूटर के सहारे और छोटे छोटे उपकरणों के सहारे कर सकता है, हमारे विश्वविद्यालय के लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमने अपने प्रयासों से यहाँ पर अभी कई कंप्यूटर लाइब्रेरी में जो है लगवा दिए हैं। वो सारे कंप्यूटर टॉकिंग हैं, किताबों को स्कैन करते हैं बच्चे, उनके माध्यम से आराम से किताबें पढ़ सकते हैं। अभी कुछ और सुविधाएं जुटाई जा रही हैं, तो ये हमारा विश्वविद्यालय पूरे उत्तर भारत में अभी जल्दी ही एक मॉडल विश्वविद्यालय के तौर पर एक डिसेबल्ड फ्रेंडली यानी कि दृष्टिबाधित और दूसरे जो विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए एक मित्र विश्वविद्यालय के तौर पर जाना जाएगा। हमारी वेबसाइट फुल्ली एक्सेसिबल हो रही है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। उसमें कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति, कोई भी मूक बधिर व्यक्ति, कोई भी वह व्यक्ति जिसके हाथ नहीं है, ये सारे लोग उस वेबसाइट का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इस मौके पर सिटी चैनल से बात करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पहली बार दृष्टि बाधित सूचना प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के दृष्टि बाधित युवाओं एवं अन्य विकलांगों को नवीनतम टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनका जीवन आसान बनाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये अपनी तरह की पहली कार्यशाला आज यहाँ इस विश्वविद्यालय में डॉक्टर श्रीवास्तव जी के प्रयासों से होने जा रही है। इसमें दो विश्व स्तरीय ख्याति प्राप्त और वो दृष्टिबाधित हैं विशेषज्ञ, वो भी इसमें रहेंगे, उनके विचारों से भी हम अवगत होंगे और सूचना प्रौद्योगिकी से किस प्रकार जो है दृष्टिबाधितों को उनके अध्ययन की दृष्टि से और सामान्य जीवनचर्या की दृष्टि से उनका जीवन किस प्रकार से सुगम बने, अध्ययन की दृष्टि से भी वो किस प्रकार से आगे बढ़े, इसके ऊपर विचार होगा। इस दृष्टि से इस कार्यशाला का ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।